करने जा रहा हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्शन शो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यही आता है मुझे, इसकी वजह से मेरा नाम है और मैं इसकी वजह से बदनाम भी हूं। ये प्रेशर हमेशा रहता है मेरे सर पे। जब गोलमाल बनी और गोलमाल रिटर्न्स बना रहे थे तो सबने यही पूछा कि ये चलेगी। जब रिटर्न्स के बाद गोलमाल 3 बनाई तो लोगों ने यही कहा कि क्या अब ये चलेगी। उसके बाद जब एक एक्शन फिल्म सिंघम बनाई तो सबने यही कहा कि कॉमेडी बनाते हो यार, एक्शन चलेगा। और फिर जब शाहरुख खान के साथ चेन्नई एक्सप्रेस बनाई तो फिर यही सवाल था कि ये चलेगा। और यही सवाल आज आपने मुझसे फिर पूछा है, अगर मैंने ये जॉब छोड़ा और मैंने कुछ और किया तो क्या मैं कामयाब होगा, इस बात का डर। अगर मैं डायरेक्टर हूं और ये फिल्म बनाकर मैं कोई और फिल्म बना रहा हूं तो ये चलेगी, इस बात का डर। क्या मैं फोटोग्राफर से कैमरामैन बन जाऊं तो मैं सक्सेसफुल रहूंगा कि नहीं, इस बात का डर। इनका राज तो खैर सभी जानते हैं, दया को सब लोग जानते हैं, बट जहां तक इनको हंसाने की बात है, मुझे शो पे इसीलिए लाया गया। ऑडियंस का कौन फेवरेट होता है ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो सब बराबर है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक फेवरेट है, वहां जाएंगे फिर देखते हैं। पहले भी मैंने टेलीविजन किया है बाय द वे, बट ये एक ऐसा शो था जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और आई थिंक जब कलर्स और राज एंड मनीषा दे केम टू मी, सो आई सेड कि या व्हाई नॉट। एंड बात रही डिफिकल्टी की, तो डिफिकल्टी तो हर जगह पर है। सवाल ये उठता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो कामयाबी जरूर मिलती है। रोहित शेट्टी हैज बीन सिनोनिमस विद स्टंट्स एंड यू सी द मूवीज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड वी फेल्ट दैट ही हैज गॉट ग्रेट टेलीविजन प्रेजेंस, ही इज नेचुरल एज इट कम्स एंड ही अंडरस्टैंड्स स्टंट्स। व्हाट बेटर नेम वी कुड थिंक ऑफ, एंड ही हैज प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स द लास्ट 2 इयर्स, सो ही वाज अ नेचुरल चॉइस। He was our first choice actually. दोनों ही एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, एक तो अजय देवगन एंड शाहरुख खान, और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है, मतलब किया है जब मैं असिस्टेंट था, एक आध एक्शन सीक्वेंस किया है मैंने खिलाड़ी 786 में अक्षय के साथ। सो इवन अक्षय, वो भी कोई भी स्टंट कर सकता है। नहीं ऐसा नहीं है यार, मतलब सोचा नहीं है इसके बारे में, बिकॉज मेरे डैड एक एक्शन डायरेक्टर थे, मेरी मॉम स्टंट आर्टिस्ट रही है, बचपन से घर में माहौल ऐसा रहा है। सो ऑब्वियसली कोई ना कोई फियर होगा, जब सामने आएगा और डरूंगा तो रियलाइज होगा कि हाँ इस चीज का फियर है। बट जो ट्रेनिंग हमें दी गई है, जब मैं वीरू देवगन जी के साथ भी काम किया करता था, कि डर पे जीत हासिल करना बहुत जरूरी है, और वो मतलब ऐसे नहीं कि आप अंधाधुंध बस कूद पड़े, यू हैव टू गेट ट्रेन फॉर इट। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड एंड अनट्रेंड, और कुछ नहीं होता है लाइफ में। कि आप लोगों को देखते हैं कि वो स्काई डाइविंग कर रहे हैं या वो जंप कर रहे हैं तो, या स्विमिंग पूल पे बहुत ज्यादा लैप्स ले रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, नथिंग एल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्लेंड इसलिए करते हैं, और मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ कि एक्शन और कॉमेडी जब मिलती है तो एक कमाल का एंटरटेनमेंट होता है। सो इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट।